हेलो डियर फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज मोहम्मद अंजल बेग फ्रॉम रसल जोन। मैं आज आपसे बात करूंगा जॉन सीना और निकी वेला का जो ब्रेकअप है वो क्यों हुआ, और रेसलमेनिया की पोस्ट रेसलमेनिया में जो अल्ट्रैक्शन देखने को मिला था विंस मैकमैन, शेन मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के बीच, उसके बारे में और डीन एम्ब्रोस की रिकवरी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आई है आज। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जॉन सीना और निकी बेला के ब्रेकअप के बारे में। तो आपको पता ही है कि पिछली रेसलमेनिया ऑरलैंडो रेसलमेनिया 33 वहाँ पे जॉन सीना निकी बेला को प्रपोज किया था और शादी के लिए काफ़ी टाइम से एक दूसरे को ये डेट कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले परसों की शायद बात है कि खबर आई है कि ये इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। वजह ये सामने है दोस्तों कि निकी बेला वो शादी के लिए रजामंद नहीं थी, ये थी उनकी बड़ी वजह उनके ब्रेकअप के लिए। दोस्तों आगे बात करते हैं डीन एम्ब्रोस की। तो आपको पता ही होगा काफ़ी फैंस को जो रेसलिंग को बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं कि WWE की जो मंडे नाइट रॉ ब्रांड है वो जा रहा है साउथ अफ्रीका लाइव इवेंट के लिए। तो वहाँ पे दोस्तों ये खबर आ रही है कि डीन एम्ब्रोस को वहाँ पे एडवर्टाइज किया जा रहा है 3 रातों के लिए, मतलब वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को वहाँ पे डीन एम्ब्रोस को एडवर्टाइज किया जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि WWE ने अभी कोई इंजरी स्टेटस डीन एम्ब्रोस के बारे में अभी तक नहीं दिया। तो वहाँ पे इनको एडवर्टाइज किया जा रहा है, यहाँ पे अभी पता नहीं क्या चाह रहा है WWE, कोई वो अपना स्टेटस ही नहीं दिया, फिर वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किस बात की हो रही है फिर। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अब इसका आगे क्या होता है। जब भी कोई खबर आती है तो मैं आपको चैनल पे ज़रूर दे दूँगा। आगे बात करते हैं जी रेसलमेनिया 34 लेसनर विंस और शेन के अल्ट्रैक्शन की। तो उससे दो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो जो कुछ बैक स्टेज हुआ था वो बिल्कुल रियल था, बिल्कुल ऐसे हुआ, और दूसरी चीज़ ये रूमर है। दूसरा बड़ी मज़े की यह खबर आई है कि WWE ने ये सारा एक प्लान किया था ये जानने के लिए कि कौन सी वेबसाइट हमारी खबरें सबसे पहले बाहर पहुंचाती है। मतलब आपने देखा होगा कि जो WWE है ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, 90-95% डिसीजन जो होते हैं वो जो प्रेडिक्ट किए होते हैं हम सबको पता होता है। WWE यही तो जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ये जरिए है जिनकी वजह से हमारी खबरें बाहर जाती हैं। तो ये पूरा एक सेटअप किया था। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें और मज़ीद स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मैं आपके लिए इसी तरह रोज़ाना अच्छी अच्छी वीडियोस WWE से मुतालिक सिर्फ ही लाता रहता हूँ। खुदा हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।